दोस्तों वेलकम है आज के इस न्यू ब्लॉग में। और आज जो है जाने वाले हैं हाजीपुर और बिल्कुल हम रेडी हैं, तैयार हैं। और आप सभी को बता दूं ये शॉप में तो उतना काम है नहीं, बाइक चलाने के लिए रेडी है जाहिर। बाइक चलाना है क्या? हेलमेट पहन के तैयार हो गया था, चेक कर रहा था पहनो फिर बाइक चलाना पड़ेगा। कैसा लग रहा है पहन का? अंदर गर्मी लग रही है। गर्मी लग रहा है तो चलिए फिलहाल चलते हैं हाजीपुर। और फ्रेंड जो है आ चुका है और लेट हम ही है, डॉक्टर जो है आ जाता है 11 बजे और अभी जो है टाइम हो गया 9:30। ये देखिए ठीक है और जाने में समय लगेगा, इन्हीं जनाब का तबीयत खराब है। तो चलिए चलते हैं हाजीपुर और दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पेट में दर्द है, बातें नहीं होता है। ये जवानी में अभी तबीयत खराब है, देख लीजिए जवानी में तो दुख होता है, जवानी में दुख होता है। चलिए चलिए जवानी में दुख होता है तो आपको दिखा दे, चलिए मिलते हैं हाजीपुर। तो फाइनली हम लोग डॉक्टर से दिखा दिए, सुबह को 11 बजे से बैठे बैठे अभी शाम को 4:30 हो गया और काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा। कितना पैसा देकर भी इतना ज़्यादा वेट, माइंड पूरा फ्रस्ट्रेशन हो गया, यानी कि मरीज के साथ में जो मरीज नहीं रहता है वो भी मरीज बन जाता है। तो फाइनली सब जो है रिपोर्ट आ चुका है, दवा भी हम लोग ले चुके हैं और यहाँ खाना खाने के लिए बैठे हैं। खाना खा के फिर तुरंत निकलेंगे यहाँ जाने में, अगर आराम से जाएंगे तो 1.5 घंटा लगेगा, फास्टिंग जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा, तो आराम से ही जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। और फाइनली यहाँ खाना खाने बैठ चुके हैं हम दोनों आदमी और खा के यहाँ से निकलते हैं, फिर जाके अपने शॉप में बैठ जाते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको जो निकला है ना स्टोन निकला है तो पानी के कमी के पीने के कारण ये स्टोन होता है, तो आप लोग पानी सबसे ज़्यादा सेवन किया करें, क्योंकि हम लोग का काम भी है ना, तो बैठने वाला काम है, तो जितना पानी का सेवन करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बीमारी से भी बचत होता है और वेट गेन भी होता है और पेट का भी उतना कोई बीमारी नहीं होता है, स्टोन भी नहीं होता, तो पानी जितना पा लगे उतना पानी किया जाए। चलिए चलते हैं शॉप पे और डिटेल्स में बात करते हैं। ये देखिए सोनपुर का जो है ये पुल है, जैसे कि अंग्रेजों का देन है ये, ठीक है, अंग्रेजों का बनाया हुआ है और आज तक इसमें कोई भी लेकिन नहीं हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है दिखने में। और जो साइड में दिख रहा है पुल वो है रेलवे का पुल है, ठीक है, दो पुल है, एक पुराना है एक न्यू बना हुआ है और यही यादाश्त रह गया है अंग्रेजों का। और यही पुल पार करेंगे तो सोनपुर मेला लगता है। ये देखिए इधर ही जितना खाली जगह दिख रहा है इसमें सब सोनपुर मेला लगता है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर, आप सर्च करके गूगल कर सकते हो। और ये देखिए यही रूट है, इसी के नीचे जो है सोनपुर मेला लगता है, काफ़ी ज़्यादा दूर में लगता है और बहुत ही बड़ा बड़ा फैक्ट्री यहाँ पर आती है, जैसे जो प्रोडक्ट बनाती है वो आती है गाय भैंस गाय, यानी कि हर जानवर यहाँ पे सेल होता है, जैसे कि पूर्वजों लोग कहा करते थे, अभी तो बहुत कम हो गया है। ये जो आप देख रहे हो हाथी और घड़ियाल का, तो इसका बहुत बड़ा स्टोरी है और ये स्टोरी पता है बट बताने में काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे हरिहर मंदिर है जहाँ पे शादी वगैरह होता है, काफ़ी बड़ा मंदिर है। और यहाँ से अभी हम जाएंगे एक रिलेशन में, वहाँ से फिर जाए चलेंगे घर। तो चलिए आते हैं रिलेशन से, फिर आप सभी से वेट करते हैं। जो हाजीपुर से आ चुके हैं दरियापुर और दरियापुर जो है बहुत अच्छा चाय मिलता है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए तुलसी मिलता है बहुत मस्त लगता है और इस चाय को पीकर निकलूँगा घर पे, ठीक है, फिर जो है शॉप पे जाके आप सभी से बात करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है चाय पीने में, अगर आप सब इधर से बिलोंग करोगे तो आप चाय पर ज़रूर पीना, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। कैसा लग रहा है चाय? तो दोस्तों ये जो है मैं कल होके वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस दिन रात को आया और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया,
और लेट होने के कारण मैं वीडियो को शूट नहीं कर पाया, इन नहीं कर पाया। और मैं बता दूं कि देखिए स्टोन उसको निकला था दाहिना साइड किडनी में जो स्टोन था। तो स्टोन कैसे होता है, कम पानी पीने के कारण जो है स्टोन होता है। तो अगर ऐसा शिकायत आप ना हो तो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिया करो। और ज्यादा पानी पीने से क्या होता है, बहुत सारा बीमारी नहीं होता है, जैसे कि फ्रेश पे जो दाना वाना होता है, जो नोचनी वगैरह होता है, तो पानी के कमी के कारण ही होता है। और हर डॉक्टर बताता है कि पानी ज्यादा ज्यादा पीना चाहिए, तो आप जो पानी के ज्यादा सेवन करो। और डॉक्टर के पास जाने पे यार गजब सा फील होता है, बैठे बैठे ऐसा लगता है कि मैं रोटी बन गया। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि वीडियो आप सभी को काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि किसी और को बेनिफिट हो सके। और चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग हमेशा ही हैप्पी रहना और खुश रहा करो। Yeah, I do. 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 Y